देश तो आजाद हो गया, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन मीरा भाईंदर में एक कायदा स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का अंग्रेज छोड़ गए, जो आज भी हम भुगत रहे। दोस्तों, दो दिन से मैं देख रहा हूँ टीवी के अंदर स्टेट इन्वेस्टमेंट को लेके अलग अलग बातें हो रही है, न्यूज के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से। कोई कह रहा है कि हम इसके अंदर कमेटी बनाएंगे, कोई कह रहा है कि आंदोलन करेंगे, कोई कह रहा है कि हम सरकार से बात करेंगे, कोई कह रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे। मैं शहर वासियों को बताना चाहता हूँ, मुझे जब आपने इस शहर का विधानसभा में चुनकर भेजा तो ये प्रस्ताव मैंने 2016 में विधानसभा के अंदर रखा और सरकार से विनती की कि इसकी जांच हो, ये सारे नाम कम किए जाए। उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर एकनाथ खड़से जी थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे। सदन के अंदर कमीशन बनाने का निर्णय हुआ और मपलवार जी, जो उस समय कोकण कमिश्नर थे, उनको नियुक्त किया गया और उन्होंने पूरी प्रक्रिया की जांच की और सरकार को एक हवाल दिया और अपना निर्णय भी दिया कि स्टेट इन्वेस्टमेंट का किसी भी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, इन सभी 7-12 से उनका नाम निकाला जाए, सभी प्रॉपर्टी से उनका नाम कम किया जाए। लेकिन हमारा बैड लक ये रहा, हमारी बदनसीबी ये रही कि बिल्डर जो था, या जो हम कहते हैं स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले जो थे, ये कोर्ट में गए और कोर्ट से इनको राहत मिली, यानी कि स्टे ऑर्डर मिला। हालांकि कोर्ट ने रद्द नहीं किया सरकार का और सरकार ने कहा है कि स्टेट इन्वेस्टमेंट लगता नहीं, कोर्ट ने स्टे दिया उन्हें। लेकिन उसके बाद मेरी सरकार भी चली गई, मैं भी नहीं रहा, इसलिए वो काम अधूरा रह गया। विश्वास दिलाता हूँ आने के बाद जल्द से जल्द इस काम का निवारण करूंगा और स्टेट इन्वेस्टमेंट को जड़ से उठा के फेंकूंगा। तो ये किसी भी काज जाने की आवश्यकता नहीं, ये कोर्ट में प्रलंबित है। मैं नेताओं से कहना चाहूंगा कि सरकार से बात करें और इसके अंदर अग्रणी भूमिका ले, कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन करके जल्द से जल्द मुकदमा चलाया जाए और स्टेट इन्वेस्टमेंट को खत्म किया जाए, इस दिशा में काम करें। क्योंकि मैंने 90% तो काम कर दिया, 10% बाकी है, तो ये काम जल्दी करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ, उम्मीद दिलाता हूँ। धन्यवाद।